दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टेक यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों जिसने 100 सब्सक्राइब अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर लिया उन्हें आखिर यूट्यूब क्या फीचर्स देता है और उसे मिलने के बाद आपको क्या करना है, टोटली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का टेक्निकल से जुड़ी जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। दोस्तों जब भी आप अपने यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइब कम्प्लीट कर लेते हो तो आपको एक यूट्यूब की तरफ से जो है फीचर्स मिलता है, उसका नाम है कस्टम URL। ये दोस्तों अभी कस्टम URL क्या होता है, जब भी हम दोस्तों किसी को लिंक जो अपना चैनल का लिंक भेजते हैं भाई इतना लंबा दिखता है वही होता है कस्टम URL। तो उसको आपको सजेस्ट करता है यूट्यूब कि आप इतना बड़ा लंबा जो नाम है उसको आप सही कैसे कर सकते, अपने चैनल को अपने हिसाब से ब्रांडेड बना सकते हो, लोगों को भी URL दोस्तों देखने से ही याद आ जाएगा, इसे आप बना भी सकते हैं। और दोस्तों इसका जो कुछ नियम कानून भी है, जैसे कि आपका जो है 30 दिन पुराना चैनल होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक दिन में मतलब 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए, चैनल खोले 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लिए तो आपका URL मिल जाएगा। सेकंड नंबर में दोस्तों आपका जो यूट्यूब में दोस्तों DP होना चाहिए, लोगो जिसको बोलता है, ठीक है इस तरह से। और दोस्तों चैनल का जो बैनर रहता है उसमें भी आपका जो है फोटो वगैरह लगा रहना चाहिए, कुछ भी लिखा रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि व्हाइट वगैरह छोड़ दिया है, उससे नहीं होगा, आपको कंप्लीट होना चाहिए। और दोस्तों आपका चैनल का URL यूनिक होना चाहिए, जैसे कि मेरा प्रकाश टेक है, अभी दूसरा कोई भी दुनिया में कितना प्रकाश टेक खोल के बैठा है, ठीक है, अभी उधर जाएगा चैनल URL में और उधर अपना जो ब्रांडेड जो URL रहता है वो कर लेता है। तो आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे, अगर आपका सेटअप नहीं हो रहा तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम में यूज़र नेम हम लोग चेंज कर देना, उसी तरह को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, अगर आपका ब्रांडेड मिल जाता तो अच्छा है, चैनल URL मिल जाता तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो कोई टेंशन नहीं, तभी आप जो है अपना चैनल URL सेट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड कस्टम URL जो निकालना होता है वो बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कस्टम URL निकालने के लिए, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, यहाँ पे आप देख पा रहे मैं ओपन कर लिया, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और थोड़ा नीचे आ जाएंगे और डेस्कटॉप साइड पर टिक लगा देना का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो टिक लग चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यूट्यूब का एक लोगो दिखेगा, उस पर टैप कर लेना है। जैसे टैप कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो लोगो रहेगा DP जो रहेगा उस पर टैप कर लेना है। टैप करते ही आपको यहाँ पर जो है सबसे ऊपर मिल जाता है योर चैनल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कस्टम चैनल का एक ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको एक बार दबा देने का है, तो मैं यहाँ पे दबा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपका जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास YT स्टूडियो है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक जो दोस्तों रिडायरेक्ट होकर हट जाएगा और आपका पेज में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा जो पेज ओपन हो चुका है, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है लेआउट, उसके बाद ब्रांडिंग का, उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है बेसिक इनपुट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन सब शो होगा और थोड़ा सा आप नीचे तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे करते आ जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है चैनल URL। और ये दोस्तों देख पा रहे हैं एक हाथ वाला मेरा जो है URL है, तो यहाँ पे मैं अपना हिसाब से इस चैनल URL को ठीक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आएंगे तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल पर टैप कर लेना है। अब दोस्तों जिस जैसे टैप करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको हो सकता है यहाँ पे जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो उस पर आप सेलेक्ट कर करके कर सकते हैं। मैं इससे पहले जब मैं कर रहा था तो मेरे को उसी तरह का ही मिल रहा था, लेकिन अभी कोई मेरा चैनल का जो है इस तरह का कोई भी निकाल लिया होगा, ठीक है, जिसका नाम प्रकाश टेक के बहुत सारे हम पहले आपको बता दिए कि निकाल लेते हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको जैसा कि इंस्टाग्राम में हम लोग का अगर एक ही यूज़र आईडी में बनाते तो वहाँ पर सेटअप नहीं होता, इस तरह यहाँ पर भी है आपको URL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैप करेंगे और यहाँ पे 1 टाइप कर लेंगे, और टाइप करते आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं 1 टाइप किया तो आप यहाँ पे एक नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे एक राइट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमें पब्लिश का भी ऑप्शन मिल गया, यानी कि हमारा जो है ये जो है यूनिक सा नाम हो चुका है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, और कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह का अपना जो भी आपको टाइपिंग करना है ABCD अच्छा से याद, मतलब एक अच्छा सा कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चाह रख सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं पब्लिक्स के ऊपर टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा क्या आप जो ये जो URL सेट किए हैं क्या ये आप कन्फर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल पे जाके फिर से आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कन्फर्म करना चाहता हूँ, तो मैं कन्फर्म पर टैप कर लेता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे टैप कर लूँगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो है कस्टम URL जो है बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं किसी को भी लिंक शेयर करूँगा तो यहाँ पे इतना अभी जो है किसी को भी ये याद आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कितना छोटा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।